नमस्कार प्रणाम स्वागत बा रउवा सबके हमारा अपन खास प्रोग्राम भोजपुरिया गॉसिप्स में। और वो लोग देख रहा बानी नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया के रिपोर्ट। एक खास प्रोग्राम में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ल ही कुछ खबर लेके आई नी जौना खबर से रउवा लोग रूबरू ना हो पानी लो। तो फिर रउवा लोग ज्यादा समय ना लेते हुए भी हम अपन खबर के तरफ बढ़ता नहीं जी। आज के हमारे पहलका खबर बाटे कि पवन सिंह जी हमेशा अपन चर्चा में बनल रहले। रउवा लोग बता दी कि कुछ ना कुछ नेक काम करके पवन सिंह जी चर्चा के विषय बनल रहले। वैसे ही कुछ पवन सिंह आज नेक काम कर चुकल बाड़े और उनका के बहुत लोग प्यार करत हवे और बहुत लोग के दिल में अपने जगह भी बनावत रहे। तो फिर फटाफट बताओ तो ये लोग कि का कैले बड़े आखिर पवन सिंह जी। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाए वाला पवन सिंह अपना दरिया दिली दिखाते हुए क्रेक फाइटर फिल्म के शूटिंग से उनकर जो ड्रेसर बड़ी हेयर ड्रेसर उनकरा के मोबाइल गिफ्ट देले बड़े और उनकरा बहिन के इलाज खातिर 20,000 रुपया भी देले बड़े। रेगुलर के बता दी कि उनकरा बहिन के जो बीमारी भइल बाटे उ नस जकड़ जाए वाला बीमारी बाटे और उनकर हेयर ड्रेसर जो बाटे उनकर नाम साइना करके बा। ऐसे में पवन सिंह जी के बहुत ही लोग पसंद भी करत आवे। ऐसे तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के खेसारी लाल यादव जी भी बहुत सारा लोग के गरीबों लोग के सेवा करते हुए नजर आए बड़े और पवन सिंह जी एक चीज नेक काम करल स्टार्ट कर दिले बड़े। आखिर कैसे भइल बा का पवन सिंह गिफ्ट मोबाइल गिफ्ट दिले बड़े उनका जन्मदिन पर और उनका बहन के 20,000 रुपया दिले बड़े। ये सबके जानकारी खरीद करके देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह हमेशा से चर्चाओं में रहते हैं। आपको बता दें कि कभी वो अपने नए लुक के साथ तो कभी अपने नए हेयर स्टाइल के साथ तो कभी अपने आवाजों को कला दिखा के चर्चाओं में रहते हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग कर दिखाया है पवन सिंह ने। आपको बता दें कि दरिया दिली दिखाते हुए फिल्म क्रेक फाइटर की हेयर ड्रेसर साइन के जन्मदिन पर मोबाइल गिफ्ट दिया और उनकी बहन के इलाज के लिए 20,000 रुपये भी दिए। साइन की बहन को नस जकड़ जाने की बीमारी थी जिनके इलाज के लिए काफी रुपये खर्च हो रहे थे। जब शूटिंग के दौरान पवन सिंह को पता चला तो उन्होंने 20,000 रुपये इलाज के लिए दिए और आगे भी इलाज करने का खर्च देने की बात कही। आपको बता दें कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के कुछ ऐसे कलाकार हैं जो ये नेक काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे में खेसारी लाल यादव और पवन सिंह और भी बहुत सारे कलाकार हैं। आपके जानकारी के लिए बता दें कि हमेशा किसी की मदद करने के तत्पर पवन सिंह ही कहते हैं कि मैं जब भी मदद कर रहा हूँ वो भगवान का आशीर्वाद है, ये सब ईश्वर दे रहे हैं, सब कुछ करते हैं, इंसान तो एक जरिया होता है। उनकी ये मदद से साइना के पूरे परिवार वाले बहुत खुश नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट नाइन डेस्क से नीतीश की रिपोर्ट। जैसे कि रोल देखनी है लोग पवन सिंह जी अपना हेयर ड्रेसर के बर्थडे पे मोबाइल गिफ्ट दिले बड़े और उनका बहन के इलाज खातिर 20,000 रुपया भी दिले बड़े और ये भी कहले बड़े कि उनका आगे भी इलाज खातिर हम पैसा दें। चलिए अब बढ़ते नहीं अपना दूसरा खबर की तरफ। आज के दूसरा खबर खेसारी लाल यादव जी से जुड़ल बटे। खेसारी लाल यादव जी की एगो नए फिल्म के शूटिंग होके जा रहा बटे जो फिल्म के नाम बटे जाल। जाल फिल्म में 3 गो हीरोइन रोल के नजर आई लो। पहला काजल रगवानी और दूसरा का सुभी शर्मा और तीसरा का पूजा गांगुली। काजल रगवानी जी फिल्म में प्रमोशन सॉन्ग करते हुए नजर आई हैं। ऐसे तो खेसारी लाल यादव जी के बहुत ही लोग भोजपुरी चाहे वाला जितना भी लोग बाटे प्यार दुलार भी करेला, लेकिन ये फिल्म में खेसारी लाल यादव जी 3 गो हीरोइन के साथ नजर आई हैं। आखिर ये जाल फिल्म के कहाँ कहाँ शूटिंग होता कैसे का बाटे ये सबके जानकारी खातिर देखिए हमारे खास रिपोर्ट। आज जाल फिल्म के सेट पर सुभी शर्मा भी पहुंच गई हैं अपने सीन की शूटिंग करने। इससे पहले सुपरस्टार खेसारी लाल के साथ पूजा गांगुली के एक गाने की शूटिंग पूरी कर ली गई थी और आज से सुभी शर्मा भी इस फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हो जाएंगी। इस फिल्म की शुरुआत करने से पहले आम्रपाली दुबे के बर्थडे पार्टी में सुभी शर्मा और खेसारी की मुलाकात हुई। इससे पहले खेसारी की फैमिली फंक्शन में भी सुभी शर्मा आ चुकी हैं और सुभी शर्मा की जोड़ी स्टेज शो पर खेसारी लाल के साथ खासा पसंद की जाती है। यही कारण है कि जाल फिल्म के निर्माता ने इस फिल्म के लिए सुभी शर्मा को और खेसारी लाल को साइन किया। पूजा गांगुली नई एक्ट्रेस है इसलिए वो भी इस फिल्म के लिए USP साबित हो सकती है, इसलिए पूजा गांगुली को भी इस फिल्म में कुछ अलग करने के लिए साइन किया गया है। लेकिन काफ़ी लोग इस बात से निराश हैं कि काजल राघवानी खेसारी लाल के साथ जाल फिल्म में क्यों नहीं है, तो उनके लिए ये थोड़ी सी खबर
खुशखबरी की तब हो जाएगी जब हमारी कही हुई बात सच हो। जी हाँ, सूत्रों के अनुसार ये खबर मिली है कि जाल फिल्म में काजल राघवानी खेसारी के साथ एक प्रमोशनल सॉन्ग में नजर आ सकती हैं। जी हाँ, जैसे दबंग सरकार में काजल राघवानी और खेसारी का एक प्रमोशनल सॉन्ग फिल्माया गया था और वो गाना बहुत बड़ा हिट हुआ, वैसे ही जाल फिल्म के लिए भी काजल राघवानी के साथ खेसारी का एक प्रमोशनल सॉन्ग रखा जा सकता है, क्योंकि इतने दिनों की जोड़ी, इतने महीनों की जोड़ी और इतनी सारी सुपरहिट फिल्म देने वाली जोड़ी ऐसी आसानी से तो नहीं टूट सकती ना। इसलिए हो सकता है हमारी कही हुई बात सच हो और आपको जाल फिल्म में सुभि शर्मा, पूजा गांगुली के अलावा काजल राघवानी के साथ तो भी खेसारी लाल देखने को मिल जाए। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। जैसे कि रोल देखनी है लोग खेसारी लाल यादव जी के जाल फिल्म के लेकर के। खैर चलिए बढ़ते हैं अपना तीसरा खबर की तरफ। आज के हमारे तीसरा खबर बटे पवन सिंह जी से ही जुड़ल बटे। पवन सिंह जी के बहुत पहले एगो फिल्म आई रहे जना फिल्म के नाम रहे जिद्दी आशिक। जिद्दी आशिक में मोनालिसा और तनुश्री जी नजर आई रहनी, लेकिन अभी जिद्दी आशिक 2 पवन सिंह के फिर आए वाला बाटे और फिल्म के शूटिंग स्टार्ट होके वाला बाटे। रोलर के बता दी कि जिद्दी आशिक 2 में पवन सिंह नया अपन लुक लेके आए वाला बाटे और जिद्दी आशिक 2 के निर्माता रामाकांत प्रसाद जी यूट्यूब पर आके बताइले बाटे। ऐसे तो पवन सिंह जी कुछ न कुछ मतलब अपन एगो गाना भी निकाल देवे ले और छोटा सा क्लिप भी यूट्यूब पर डाल देवे ले तो कई लाख लोग देख ले वाला, कई करोड़ लोग देख ले, कई मिलियन लोग देख ले वाला। ठीक का अब ये अंदाजा लगा जाता है कि कब पवन सिंह के जोन जिद्दी आशिक पर आई रहे मूवी तो बहुत लोग पसंद कैलस का। पवन सिंह के जोन फिल्म आता है जिद्दी आशिक 2 एक लोग पसंद करी। अगर पसंद करी तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हाँ कितना लोग एक पसंद करी और ये फिल्म की जानकारी के जाने खातिर देखी हमारे खास रिपोर्ट। पवन सिंह ने अपने हर दौर में दर्शकों को और सिनेमाघर में ऐसी फिल्में दी हैं जिससे दर्शकों ने ना सिर्फ सिनेमा पर्दे पर बल्कि सोशल मीडिया पर भी खूब प्यार दिया। एक ऐसी ही फिल्म थी जिद्दी आशिक जिसके निर्माता थे रमाकांत प्रसाद। इस फिल्म में पवन सिंह के साथ मोनालिसा और तनुश्री पहली बार नजर आए थे। इस फिल्म को यूट्यूब पर 17 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा है और जिसने भी देखा सभी ने इस फिल्म की खूब सराहना की और यही कारण रहा कि इस फिल्म के दूसरे पार्ट की भी लोगों ने डिमांड की। सिर्फ जिद्दी आशिक जैसी फिल्में ही नहीं हैं बल्कि सत्या भी एक ऐसी फिल्म थी जिसके लोगों ने सेकंड पार्ट की डिमांड की। उसके बाद ये खबर भी आ गई कि सत्या रिटर्न यानी सत्या पार्ट 2 भी बनाई जाएगी इसी साल। तो वहीं हाल ही में खबर मिली है कि जिद्दी आशिक 2 बनाने का निर्णय भी ले लिया गया है। जी हाँ, रमाकांत प्रसाद द्वारा इस फिल्म के सेकेंड पार्ट की घोषणा हो चुकी है। जल्द ही इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू होगी जिसका नाम होगा जिद्दी आशिक 2। हालांकि इस बार पवन सिंह के साथ इस फिल्म में कौन सी हीरोइन होगी इस बात का खुलासा नहीं हो सका है। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। जैसे कि रोल देखनी है लोग पवन सिंह जी के जिद्दी आशिक 2 जो फिल्म आवत है का ये फिल्म के लोग पसंद करी और जिद्दी आशिक 2 में पवन सिंह अपन नया लुक के साथ आवत रहे। अगर पसंद करी तो कमेंट बॉक्स में हमारा लिख के जरूर बताए लो। चलिए बढ़ाते नहीं अपना चौथा खबर की तरफ। आज के हमारे चौथा खबर बटे है कि खेसारी लाल यादव जी के बीते कुछ दिन पहले एगो गाना आई रहे जनों का बहुत लोग पसंद कर ले रहे। वो गाना के बोल रहे हैं कि नून रोटी खाएंगे और जिंदगी संग ही बिताएंगे। ठीक वही गाना के कंपोज करके बिहार के चार गो लड़की गाना लिख ले वालों जना में बिहार से दिल्ली तक के सफर और पढ़ाई के भी सफरों में जुड़ल बटे। वो गाना के हम रोल को बताएं कि आखिर उन्होंने लिख ले का वालों उससे पहले गाना सोशल मीडिया पर इतना वायरल हो रहा बाटे और इतना लोग पसंद भी करता है वो गाना के कि क्या बात है। जैसे कि मानी ऐसे पहले प्रियंका सॉरी ऐसे पहले सोनू वाला एक गाना आई रहे वो जितना हिट भई रहे सेम उसी ये भी गाना के लोग पसंद करता है। तो चलिए हम वो गाना का बोल बताओ तने कि पटना से पढ़े हैं हम अब दिल्ली नाम लिखाएंगे, अब बढ़िया जगह जाएंगे तो मोटा सैलरी कमाएंगे। ठीक है आगे लिख ले वालों कि कैसे कैसे पापड़ बेलनी पापा मम्मी के इमोशन कहनी खूब सेटिंग गेटिंग के बाद दिल्ली तक हम नाम लिखवाएंगे। ठीक है ऐसे करके ये गाना के बोल बाटे और ये गाना के बहुत ही लोग पसंद करता है। आखिर रोलो के आखिर कैसे वो लोग के दिमाग में आयल और कैसे वो लोग गाना के कंपोज करके और सोशल मीडिया पर इतना छा गए वालों एक देखे खातिर देखिए हमारे खास रिपोर्ट। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की धड़कन कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव हर समय चर्चाओं में रहते हैं
आपको बता दें वो कभी अपने लुक को लेकर तो कभी अपनी नई फिल्म को लेकर। ऐसे में आपको बता दें कुछ ही दिन पहले खेसारी लाल यादव का गाना काफ़ी लोगों ने पसंद किया था। आपको बता दें कि देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनके गाने पसंद किए जा रहे थे। गाने के बोल हैं, नून रोटी खाएंगे जिंदगी संग ही बिताएंगे। ठीक है, ऐसे में बिहार की चार लड़कियों ने मिलकर इसी गाने को कंपोज करके एक नया गाना बनाया है। इस गाने में बिहार से लेकर दिल्ली तक की सफर को दर्शाई है और पढ़ाई भी। आपको बता दें ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इन लड़कियों ने इस गाने को कुछ इस तरह से गाई है, पटना से पढ़े हैं हम, अब दिल्ली नाम लिखाएंगे, बढ़िया जगह जाएंगे तो मोटा सैलरी कमाएंगे। ठीक है, कैसे कैसे पापड़ बेलनी, पापा मम्मी के इमोशन कहनी, खूब सेटिंग गेटिंग के बाद दिल्ली तक हम नाम लिखेनी। ठीक है, जैसा कि आपको हम बता दें सोशल मीडिया पर अभी लोग इस गाने को बहुत आनंद ले रहे हैं। खेसारी लाल यादव का गाना कंपोज करके नए गाने बनाकर अभी ये चार लड़कियां सोशल मीडिया पर छाई हुई है। नेक्स्ट नाइन डेस्क से नितेश की रिपोर्ट। जैसे कि बोलो देखनी है लोग खेसारी लाल यादव के गाना पर इस चार गो लड़की मिलके और इतना अच्छा कंपोज करके अब सोशल मीडिया पर अपन चेहरा के लोग तक पहुँचैले वालों। तो खैर इसे बात होते रही, अब और वो लोग हमारे दे दिलो इजाज़त। और हाँ, हमारा नेक्स्ट नाइन न्यूज़ भोजपुरिया के सब्सक्राइब करना ना भूलें लोग, और हमारा वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी लो। और हाँ, जिद्दी आशिक 2 के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं लोग कि क्या वो लोग पसंद करी या फिर ना करी। और दी हमारा के इजाज़त ताकि हम कल फिर ऐसे ही ताज़ा तरीन खबर लेके आए और वो लोग बताएं।